राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक, जिसमें भव्य कलश यात्रा दिनांक 4 अप्रैल दिन सोमवार को, कथा समय दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक, पूर्णाहुति एवं प्रसादी दिनांक 10 अप्रैल दिन रविवार को, स्थान पुराना बाजार, ग्राम सीयर मऊ, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन। कथावाचक पंडित श्री गोपाल दास जी वैष्णव, ग्राम मंडी वाले। आयोजक रामेश्वर साहू एवं समस्त साहू परिवार। याद रहे, कथा का समय रहेगा प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, स्वर्गीय दादाजी श्री नंदराम साहू जी, स्वर्गीय दादी जी श्रीमती धन्नुबाई साहू जी, स्वर्गीय पिताजी श्री रामचरण जी साहू जी, स्वर्गीय पूज्य माता जी फूल रानी साहू जी की पुण्य स्मृति में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, कथा स्थल पुराना बाजार, ग्राम सीयर मऊ, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन। कथावाचक पंडित गोपाल दास जी वैष्णव। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक। अतः समस्त धर्म प्रेमी भागवत प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं, अपने मानव जीवन को सार्थक करें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। प्रिय धर्म प्रेमी बंधु, माताओं एवं बहनों, युवा साथियों और बुजुर्गों, भगवान श्री हरि की अपार कृपा से दिनांक 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। याद रहे, दिनांक 4 अप्रैल दिन सोमवार से 10 अप्रैल दिन रविवार तक। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा पंडित श्री गोपाल दास जी वैष्णव के श्रीमुख से, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। निवेदक साहू परिवार एवं समस्त ग्रामवासी। कथा स्थल पुराना बाजार, ग्राम सीयर मऊ, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन।
बताऊं मोहन मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, अब क्या बताऊं।